Hello friends, I am Sanjay Gupta. I welcome you again on Sanjay Gupta Tech School. So this is lecture number 5 and इस लेक्चर में हम कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे जो कि सी लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो प्रोग्राम्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने लिस्टेड है. तो पहले प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट प्रोग्राम है सम ऑफ टू डिजिट नंबर. तो पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन बताऊंगा. तो अपन चलते हैं सी कंपाइलर के पास. सो इट इज डेव C++, सो जहाँ पे अपन सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें सम करना है टू डिजिट नंबर का. सो सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है. तो अब इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 24. तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है 2 + 4 और आपको रिजल्ट क्या शो करवाना है, 6. तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, जो नंबर है टू डिजिट नंबर उसके दोनों डिजिट्स को अलग अलग करना है. जैसे कि एग्जांपल है 24, तो हमें 2 एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, 4 एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है और फिर उन दोनों का सम करना है ताकि हम दो डिजिट्स का सम निकाल पाए, ठीक है. और हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि टू डिजिट नंबर, तो इनपुट हमेशा टू डिजिट नंबर ही होना चाहिए. तो अपन प्रोग्राम की बिगिनिंग करते हैं. सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, देन मेन फंक्शन. अब मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n. अब दूसरा वेरिएबल है d1 डिजिट 1, d2 डिजिट 2 एंड सम. फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ. अब प्रिंट एफ में जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, तो अब इसमें लिखेंगे एंटर अ टू डिजिट नंबर. तो हमें इनपुट एक नंबर करना है बट उसमें दो डिजिट्स अवेलेबल होने चाहिए, राइट. scanf % d % n. तो अब n वेरिएबल के अंदर वो नंबर आ चुका है जिसमें दो डिजिट्स होंगे और हमें उसके दोनों डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड कराना है, ठीक है. तो अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे. तो मैं एक बार के लिए पेंट ओपन करता हूं. तो अब हमने एग्जांपल लिया था 24, तो लेट से ये अपना नंबर है 24, ठीक है. अब हम इसको डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड करने के लिए मैं डिजिट ले रहा हूं 10, ठीक है. तो 10 से अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूं तो ये दो बार डिवाइड होगा और यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20, और इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4, राइट. तो अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो फर्स्ट डिजिट है, तो अभी आप ध्यान रखिएगा नंबर टू डिजिट ही है बस. तो टू डिजिट के लिए अगर हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोशेंट है वो पहला डिजिट होगा और जो उसका रिमाइंडर है वो उसका दूसरा डिजिट, ठीक है. अब आपको मैं ऑलरेडी ऑपरेटर वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो हम परसेंट सिंबल, या फिर हम कहें कि रिमाइंडर निकालना है तो परसेंट सिंबल यूज करते हैं, और हमें कोशेंट निकालना है तो हम डिवाइड सिंबल यूज करते हैं. तो अगर आपको 2 एज अ कोशेंट निकालना है तो आप ये डिवाइड सिंबल यूज करेंगे, और 4 एज अ रिमाइंडर निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे, परसेंट सिंबल. तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप लिखेंगे d1 equals to n divided by 10. तो अभी मैंने यहाँ यूज किया डिवाइड, तो डिवाइड क्या प्रोवाइड करेगा, कोशेंट. तो अगर नंबर है 24 तो d1 में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है. फिर हमने लिया d2 equals to n modulus 10, तो ये हुआ रिमाइंडर. तो 24 को अगर 10 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 4. तो यहां इस वेरिएबल में d2 कितना आ जाएगा, 4, ठीक है. अब हमें सम कैलकुलेट करना है, तो आप लिखेंगे सम equals to d1 plus d2 और उसके बाद अपन इसको स्क्रीन पर शो करवा लेते हैं. सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू % d सम. तो प्रिंट एफ हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो अगर आपको पुराने वीडियोस को रिवाइज करना है या पुराने वीडियोस को भी देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट लिंक में मैंने जितने भी वीडियोस इस सीरीज से रिलेटेड है उन सबको एक साथ अरेंज किया हुआ है.
तो आप उस प्लेलिस्ट में इन सारे वीडियोस को एक के बाद एक देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी ऑपरेटर डेटा टाइप ये वीडियो स्किप कर दिए हैं तो वो उन वीडियोस को भी वहां देख सकते हैं। तो डिवाइड आपको क्वेश्चन देगा डी वन में, मॉड्यूलस और परसेंट सिंबल आपको देगा रिमाइंडर जो कि डी टू में आएगा। तो मैं अभी इनपुट करूंगा 24 और आपके सामने देखिएगा सम आ जाएगा 6। तो पहले इसको सेव कर देते हैं test.c के नाम से। अब अपन इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो मैंने एंटर किया 24, तो आप देख सकते हो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब आप कहोगे कोई और नंबर इनपुट करके बताइए। तो लेट से मैंने एंटर किया 81, तो रिजल्ट आ जाएगा 9। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा नंबर रिजल्ट एंटर करें जिसमें 0 है, लाइक 9090, तो रिजल्ट आ गया 9। तो हर केस में ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने डिवाइडर मॉड्यूलस से पहला और आखिरी डिजिट अलग अलग कर लिया और उन दोनों को फिर ऐड किया तो सम ऑफ डिजिट्स आपके सामने। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल देखते हैं, तो जो कि सेकेंड एग्जांपल है। तो सेकेंड प्रोग्राम में क्या करना है, रिवर्स ऑफ टू डिजिट नंबर। तो अब देखो हमें इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी अपने पास में टू डिजिट नंबर है 24, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 42, क्योंकि 24 का रिवर्स क्या होगा 42। तो अब इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। तो ये बोल रहा है रिवर्स ऑफ टू डिजिट नंबर। तो अपने पास में अगेन यहां पर जो इनपुट आएगा वो एक टू डिजिट नंबर होगा और आपको उस टू डिजिट नंबर का रिवर्स करके प्रिंट कराना है। तो अब उसको रिवर्स करने के लिए देखो क्या करेंगे, रिवर्स करने के लिए हमें 2 और 4 को अलग अलग करना पड़ेगा, या हम बोले कि पहले और आखिरी डिजिट को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इट मींस यहां तक कोड सेम रहेगा, लाइन नंबर 9 तक आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि आपके पास d1 वेरिएबल में 2 है और d2 वेरिएबल में 4 है और हमें प्रिंट करना है 42, हमें प्रिंट करना है 42। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैथमेटिकली? तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे कि आप 4 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो वो बनेगा 40 और उसमें 2 को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा 42। तो अब देखो 4 अपना किसमें है, d2 में। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर वेरिएबल का नाम चेंज करके कर देते हैं रिवर्स, क्योंकि वेरिएबल हमेशा सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो अब देखो मैंने आपको बोला कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 4 अपना लास्ट डिजिट है जो कि d2 में आएगा। तो अपन लिखेंगे d2 into 10 और उसमें ऐड किसको कर देंगे, d1 को। तो अब ये प्रिंट करेगा रिवर्स। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने जो सेकेंड डिजिट था d2 उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें फर्स्ट डिजिट को ऐड कर दिया। तो बाकी जो लॉजिक था वो सेम है कि हम दोनों डिजिट्स को अलग अलग कैसे करें, और ये लॉजिक आगे आने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको हेल्प करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो डिवाइड क्वेश्चन प्रोवाइड करता है और मॉड्यूलस रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो अब इसको फिर से सेव किया, कंपाइल और रन करते हैं। तो अब मैं फिर से एंटर कर रहा हूं 24, तो आप देखोगे कि रिजल्ट आ जाएगा 42। तो इस तरीके से कोई भी टू डिजिट नंबर आप एंटर करेंगे तो उसका रिवर्स आपको मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा हमेशा इनपुट क्या करना है, टू डिजिट नंबर। अब आप कहेंगे कि 3 डिजिट 4 डिजिट के लिए क्या करें, तो उनके लिए आपको सेपरेट प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। फिर आप कहोगे कि ऐसे तो हर 2, 3, 4, 5 अलग अलग डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए, तो ऐसा नहीं है। आगे आने वाले जो वीडियोज है उसमें आप एक टॉपिक पढ़ेंगे लूप, तो लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। तो लूप की हेल्प से हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कितने भी डिजिट का नंबर रीड करेगा और वो आपको उसका रिवर्स या सम ऑफ डिजिट्स करके प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आगे आने वाले वीडियो में आपको वो चीज देखने को मिलेगी। तब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप ये 2 डिजिट का जो कैलकुलेशन है उसको 3 डिजिट पे अप्लाई करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल है, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें तो मैं आपको लॉजिक में हेल्प करूंगा। ठीक है, अब ये तो हुआ डिजिट्स का सम और रिवर्स। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर। तो अगली प्रॉब्लम कहती है कि हमें कन्वर्ट करना है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स को टोटल सेकेंड्स के अंदर। तो लेट्स से आपके पास में एक टाइम है, फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 hour 30 minutes 50 seconds है और आप चाहते हैं कि मैं 1 hour 30 minutes 50 seconds के टोटल सेकेंड्स बना दूं,
मतलब मुझे आवर्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो सेकंड है वो तो ऑलरेडी सेकंड्स हैं। तो आवर्स, मिनट्स और सेकंड जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो अपने पास में टोटल सेकंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को अगर अपन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आपको सबसे पहले तो यहाँ कमेंट के अंदर इसको मेंशन कर देते हैं, रीड आवर्स एंड सेकेंड्स कन्वर्ट इनटू टोटल सेकेंड्स। तो अब देखो यहां हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट क्या होगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको टोटल 3 इनपुट्स करने हैं, पहला आवर्स, दूसरा मिनट्स और तीसरा सेकेंड्स। देन आवर्स मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे और जो कन्वर्टेड वैल्यूज है आवर्स की, मिनट्स की और जो सेकेंड्स है उन सबको ऐड करेंगे तो टोटल सेकेंड मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आर मिनट सेकंड एंड टोटल सेकंड, ठीक है। फिर एक प्रिंटफ लिखा, उसमें लिखा एंटर आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, फिर स्कैनफ। अब हमें यहाँ 3 नंबर को इनपुट करना है और तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि एक नंबर है तो एक बार परसेंट ही अगर इंटीजर है, फ्लोट है तो परसेंट एफ यूज करते हैं, बट अभी यहाँ इंटीजर टाइप के 3 नंबर होंगे तो परसेंट डी हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। फिर एम्परसेंट एच कॉमा एम्परसेंट एम कॉमा एम्परसेंट एस। तो एच के अंदर आर्स आ जाएंगे, एम के अंदर मिनट्स और एस के अंदर सेकेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल है अभी तक। अब आपकी मैथ्स आती है, तो अगर मैथमेटिकली सोचें कि हमें आर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो एक आर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आर्स को 3600 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो, और सेकेंड ऑलरेडी सेकेंड्स में कन्वर्टेड है तो उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं टोटल सेकेंड इक्वल्स टू आर्स इंटू 3600। तो ये अपना बना एक इक्वेशन, ठीक है। ये इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गए आर्स सेकेंड्स में कन्वर्ट। फिर किया प्लस, अब प्लस के अंदर क्या करना है, मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड में। तो मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से, और जो सेकेंड थे उसको एज इट इज ऐड कर दिया। तो आर्स इंटू 3600 प्लस एम इंटू 60 प्लस एस। तो अगर मैथ्स में भी ये प्रॉब्लम आपको गिवन होती तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते। तो प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ताकि एक प्रोग्राम को बार बार लिखना ना पड़े और हम उसमें उसको रन करते टाइम कितने भी इनपुट प्रोवाइड करके अलग अलग तरह के आउटपुट्स उससे रिसीव कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग का बेनिफिट होता है। तो अब अपने पास में TS वेरिएबल के अंदर टोटल सेकेंड्स आ जाएंगे तो उनको अपन प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ मैंने लिखा टोटल सेकेंड्स इक्वल्स टू परसेंट डी एंड TS। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी रेंज एक्सीड हो जाती है, अगर आपका आपके पास में कोई आउटपुट गलत आता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स ही स्टोर करता है। अगर आपको एक्सीड करना है तो आपको लॉन्ग इंट यूज करना पड़ेगा, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड ये जो साइज है वो कंपाइलर टू कंपाइलर भी वेरी करता है। तो इन केस कभी अगर गार्बेज वैल्यू आती है तो एक थॉट अपने माइंड में ये भी रखिएगा कि कहीं रेंज तो एक्सीड नहीं कर रही, ठीक है। तो अब ये मैंने इंप्लीमेंट किया, अब हम इनपुट क्या करेंगे, 1 आवर 1 मिनट 1 सेकेंड। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मुझसे पूछ रहा है आर मिनट सेकेंड, तो मैंने एंटर किया 1 आवर 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स, 3600, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स, 60, और 1 सेकेंड ऑलरेडी है। तो 3600 3600 प्लस 60 प्लस 1, तो ये बनेगा 3661, ये आपके सामने आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यूजर से इनपुट किया आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स को सेपरेटली, और एक फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने उन सबको टोटल सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, और अभी मैं ये सिंपल एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रोग्रामिंग से फैमिलियर हो जाए। तो अभी अपना लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, जब आगे और अपन बढ़ते जाएंगे तो मैं और आपको एग्जाम्पल से फैमिलियर कराऊंगा जिससे आप सी प्रोग्रामिंग से कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने पहले और दूसरे लेक्चर में इंट्रोडक्शन कवर किया था, तीसरे लेक्चर में मैंने आपको डेटा टाइप बताया था, और चौथे लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे। तो थर्ड में डेटा टाइप डिस्कस किया था हमने,
फोर्थ में हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था और फिफ्थ में मैं ये कुछ प्रोग्राम्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप चाहते हैं कि और बेसिक प्रोग्राम्स मुझसे डिस्कस करना है तो मैंने डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ मैं आपको डिलीवर करूँ, बट फिर भी हो सकता है कि कई बार अपने को डाउट रहता है कि हमें जो भी हमें ट्रेनर टीच कर रहा है हमें उससे डिस्कस करना है, तो आप ओपन एंडेडली उसके लिए मैं आपके आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि कई बार डाउट्स डिस्कशन के बाद जल्दी क्लियर हो जाते हैं। और जब भी ये प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करो तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली जो भी प्रोग्राम्स बना रहे हैं उनसे फैमिलियर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्वैप टू वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अब देखो इस एक प्रोग्राम में ही दो कंसेप्ट हैं, ठीक, तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, पहले स्वैपिंग करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल, फिर इसी को कन्वर्ट कर देंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसको तो इरेज करते हैं, प्रोग्राम की हेडिंग चेंज कर लेते हैं, स्वैप टू वेरिएबल्स थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो अपने को तीन वेरिएबल बनाना है एबीसी, यूजर से दो वैल्यूज इनपुट करवानी है, तो आप लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को स्कैन करा लेते हैं, दो नंबर है इसलिए दो बार परसेंट डी एम्परसेंट ए कॉमा एम्परसेंट बी, ठीक है। अब आप सोच कुछ लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको स्वैप वर्ड का मीनिंग ना पता हो, तो स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज करना, ठीक है। तो अपने पास में देखो दो वेरिएबल है ए और बी, सो फॉर एग्जाम्पल, तो अभी अपन मान के चलते हैं, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि ए में 5 है और बी में यूजर ने एंटर किया होगा 10, ये एज्यूम कर रहे हैं। जब आप रन करेंगे तो आप डिफरेंट वैल्यू भी इनपुट करवा सकते हैं। तो समझने के लिए ए में 5 है और बी में 10 है, तो स्वैपिंग का मतलब क्या है कि जब मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो इनपुट रिसीव करने के बाद एक प्रिंट एफ ए की वैल्यू तो 10 शो करे और बी की वैल्यू 5 शो करे, मतलब ए और बी आपस में दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज कर ले, तो ए 10 प्रिंट करना चाहिए और बी 5 प्रिंट करना चाहिए। तो स्वैपिंग करने के दो तरीके हैं, या तो हम एक थर्ड वेरिएबल बनाएं उसको यूज करें, या फिर हम विदाउट थर्ड वेरिएबल भी उसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो अब देखो अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें इस तरीके से कि मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करता है। तो बी में अभी है 10, तो 10 किस में असाइन हो जाएगा 5, मतलब ए की वैल्यू बन जाएगा, तो ए में भी 10 हो गया और बी में भी 10, तो ये अभी यहाँ पर इनवैलिड हुआ। तो इट मींस ए में बी को असाइन करने से पहले हमें ए की वैल्यू को किसी और लोकेशन पे जाके स्टोर करना है, क्योंकि अगर हम बी की वैल्यू को ए में डाल रहे हैं तो ए की वैल्यू तो इरेज हो जाएगी और उसमें बी असाइन हो जाएगा, और इसका मतलब हुआ ए और बी दोनों में 10-10 असाइन हो जाएगा। तो हम ए में बी को असाइन करने से पहले एक स्टेटमेंट ये लिख लेते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को कहां पहुंचा देगा, सी के पास। तो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, तो ये सपोज करो ए लोकेशन, ठीक है, यहां पर मैंने स्टोर किया 5 ए, ये दूसरा ब्लॉक हमने बनाया जो कि रिप्रेजेंट करेगा बी को और इसकी वैल्यू है 10, ठीक। अब हम एक और ब्लॉक बना रहे हैं सी, जो कि है एक टेम्परेरी वेरिएबल, तो जो अपन ने हेडिंग में लिखा है ना यूजिंग थर्ड वेरिएबल, सो दिस इज योर थर्ड वेरिएबल सी। तो अभी मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, ये सी इक्वल्स टू ए, इसका मतलब राइट हैंड साइड वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड पर कौन है, ए, ए अपनी वैल्यू किसको दे देगा, सी को, तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो सी के पास भी क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब अगर हम ए की वैल्यू को हटा देते हैं, ए अपनी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए ने अपना बैकअप कहां पे स्टोर किया हुआ है, सी के पास। तब देखो अगले स्टेटमेंट में यही हो रहा है, बी अपनी वैल्यू किसको देगा, ए को, तो होता क्या है जब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करते हैं
तो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल की वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, वो इरेज हो जाती है, और उसमें जो नई वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है वेरिएबल, ये टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ए में पहले था 5 और अभी कितना है 10, ठीक। तो यही हमें करना था, इनिशियली ए में 5 था, हमें उसमें क्या डालना था 10, बट अभी बी में हमें क्या डालना है 5। अब 5 ए के पास तो है नहीं, बट 5 किसके पास है, सी के पास, और उसको सी से हम कहां पहुंचा सकते हैं, बी के पास। तो अब अपना जो स्टेटमेंट बनेगा वो हो जाएगा बी इक्वल्स टू सी। तो सी राइट हैंड साइड पर है, तो सी अपनी वैल्यू किसको दे देगा, बी को दे देगा। तो अब देखो सी से 5 बी के पास जाएगा, तो बी पर जो 10 था वो हट जाएगा और यहां पर नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो ए में 10 हो गया और बी में 5। अब अगर अपन इनको प्रिंट करवा देते हैं, ए इक्वल्स टू परसेंट डी एंड बी इक्वल्स टू परसेंट डी ए कॉमा बी। देखो प्रिंट में ए और बी को ही कर रहा हूं, तो रीड भी ए और बी को किया, फिर स्वैप किया, फिर अगेन ए और बी को प्रिंट किया, बट आप देखोगे कि इंटरचेंज होकर वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको रन करते हैं, मैं इनपुट में 5 और 10 ही लेता हूं, ए 5 बी 10, और आप देख सकते हैं कि ए 10 प्रिंट कर रहा है और बी 5 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये अपन ने सॉल्व किया, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम इसके आगे ऐड कर देते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसका मतलब अब जो डायग्राम होगा उसमें सी की कोई जरूरत नहीं है, अब सी की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें कोड भी चेंज करना पड़ेगा। तो सी को यहां से हटा देते हैं, ये तीनों लाइन हटा देते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा, बस लॉजिक चेंज करना है। तो अब देखो तीन स्टेटमेंट लिखेंगे, पहला मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक। फिर से समझने के लिए दोनों लोकेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है a, वैल्यू है 5, दूसरी लोकेशन बना रहा हूं b, और b की वैल्यू है 10, ठीक है। अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें लिखा है a इक्वल्स टू a प्लस b, तो अब पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, a प्लस बी, तो a में कितना है 5, b में कितना है 10, ये वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, अभी एग्जांपल के लिए हम 5 10 ले रहे हैं, बट आप जब रन करेंगे तो आप कुछ भी इनपुट करा के देखिएगा, ये हमेशा आपको वैल्यूज इंटरचेंज करके ही शो करेंगे। तो 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, जा किस में रहा है वो a में, तो अब a की नई वैल्यू क्या हुई 15, तो a से 5 हट जाएगा और उस प्लेस पर नई वैल्यू क्या आ जाएगी 15। इसका मतलब अब हम a की वैल्यू 15 यूज करेंगे, 5 नहीं, वो अपडेट हो चुकी है, ठीक। समझ में आ गया इतना कि हमने a और b को ऐड किया और जो एडेड वैल्यू थी वो हमने a में असाइन कर दी, ठीक। तो अभी करंट में a के पास 15 है और b के पास क्या है 10, ठीक। अब मैं लिख रहा हूं b इक्वल्स टू a माइनस b, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहां लिखा a माइनस बी, तो a के पास करंटली कितना है 15 और b के पास कितना है 10, तो 15 माइनस 10 कितना हुआ 5, और हम असाइन किस में कर रहे हैं उसको b के अंदर, तो 5 किसके पास जाएगा b के पास, तो यहां पे क्या आ गया 5। तो यही करना था, हमें a की जो 5 वैल्यू थी वो b में डालनी थी, वो जा चुकी है, ठीक। तो अब करंट स्टेटस क्या है, ए में है 15 और बी में कितना है 5। तो अब आई होप थर्ड स्टेटमेंट आप खुद से बना पाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो कितना आ रहा है वो 10, 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 हमें कहां पुट करना है ए के अंदर, तो आप इजीली स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। तब देखो ए माइनस बी मतलब 15 माइनस 5, डिफरेंस आया 10, और वो किस में असाइन हो जाएगा ए के अंदर, क्योंकि हमने इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है a। तो दोस्तों ये हुआ स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हमने यहाँ कोई c वेरिएबल यूज नहीं किया, बट फिर भी आपकी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो मैं फिर से इसको कंपाइल और रन कर रहा हूँ, मैंने इनपुट किया a में 5 और b में 10, तो आप देख सकते हो a 10 प्रिंट कर रहा है और b 5। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको ये जितने भी प्रोग्राम यहाँ लिस्टेड थे वो रन करके बताए, आई होप कि आपको ये कैलकुलेशंस कैसे इम्प्लीमेंट हुई वो समझ में आई होंगी। आप इनको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर रन करके भी देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही, आप कमेंट कर सकते हो,
और आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखें। सीरीज का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप भी देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो जिन फ्रेंड्स को जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, और इस प्लेलिस्ट लिंक के साथ मैं इंग्लिश वाले वीडियोस का लिंक भी शेयर करूंगा, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये अपना पांचवा लेक्चर था। अगले लेक्चर में कुछ और नई टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स के साथ मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, तो आप उसको भी देखिएगा ताकि आपको नए नए कंसेप्ट और प्रोग्राम्स की नॉलेज मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।